दोस्तों आज मैं कॉमेडी वीडियो नहीं लाया हूँ, आज मैं कुछ अलग लाया हूँ। प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरी जरूर देखना एक बार। अब ये मुझे नहीं छोड़े, कोई है कि मेरी मदद करने के लिए? ओ ये कौन? अरे तो कोई ना बचा, आज तो तेरे साथ बहुत कुछ होने वाला है, तू तैयार हो जा। भाई तो मुझे इस परिंदे से बचाओ। तुम जैसों की वजह से हमारी बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाती। साढ़े ऐसे ही करूँगा और तो अभी मारूंगा, रुक जा तू, तेरा हाथ मौत मेरे हाथ से लेके है। साढ़े तेरे तो यहाँ मैं मुंह दूंगा। ले साले तुम गलती करते हो और हमारी बहन बेटियों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती। समाज के द्वारा भी उन्हें फटकारा जाता है। अब मेरा पारा और चढ़ रहा, अब तो तुम्हें मारूंगा बहुत बुरा। ले साले ले ले, लगी छोड़ दे भाई। अरे छोड़ दे भाई, आज के बाद ऐसा कभी ना करूंगा। अब बोल जा तू, अब तो मार के छोड़ूंगा। तेरा तो सड़क फोड़ूंगा। तुम जैसे लोगों को तो भरी बाजार में मारना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसा तू सबको करना चाहिए। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है तुम जैसे लोगों को। तेरे पैर पर तुम छोड़ दे साले हफ्सी कुत्ते, कमीने नीच हरकत करता है। शक्ति माँ शक्ति दे इसे मारने की। ले जाओ इसका पोस्टमार्टम करवाओ और कुत्तों को इसका मांस खिलवाओ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं आज कोई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ये तो मेरा फर्ज था। हेलो दादा, आपने जिसे मारा था उसकी मौत हो चुकी है, वो तो अच्छी खबर है। अरे पूरी बात तो सुन ले, आपको अरेस्ट किया जाता है इस कारण। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम यहीं मरोगे, यहीं मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें तो देख रहा है बस कि ये बड़ा मसा हो जाए, वीडियो बना ले, वायरल कर दे, व्हाट्सएप पे डाल दे, ये बस और कुछ तो आता नहीं है। तुम तो ऐसे ही देखते रहते हो, और देखो देखो और देखो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। तो जिए मालूम नहीं, तो मरे मालूम नहीं। क्या कोई जग रहा है? क्या ऐसा कोई है कि जो इन चीजों से हमें बचा सकता है? क्या इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा क्या? साले मुर्दे, जिंदा लाशे, किसे जगाती हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। और जिनके साथ होता है वो कोर्ट के चक्कर लाते हैं, पर कोर्ट के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां तो तारीख मिलती है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। मिलोर्ड, दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं, और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। इन लोगों को ना होनी चाहिए जेल और ना होनी चाहिए बेल, का तो होना चाहिए खत्म खेल। मेरा मतलब इन सालों को तड़पा तड़पा के ठोक देना चाहिए। जब तक इन लोगों के मन में डर पैदा नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ केसों में तो 10-10 साल हो जाते हैं, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। जब तक इनके मन में डर पैदा नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलते रहेगा। बस लास्ट में यही कहूंगा, कोई भी ऐसा देखे ना,
तो साले को देखो मत, साले को मारो। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती क्योंकि टिल्लू दादा ने जो किया वो सही था। उस कुत्ते के खिलाफ जो सबूत मिले उससे पता चलता है कि वो दरिंदा था, इसलिए जज ने इसे रिहा कर दिया और फांसी को रोकने का आदेश दिया है। ये फांसी रोक दी जाए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके।